अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हम ठीक ठाक हैं। आज बहुत ही काम थे और मैं हो गई बहुत लेट, क्योंकि अमार सो जाता है तो मैं भी उसके साथ सो जाती हूँ, तो जब अमार उठता है तो फिर उसके साथ मैं भी उठ जाती हूँ। एक्चुअली मैं फजर की नमाज़ पढ़ती हूँ, फजर की नमाज़ के बाद मैं सो जाती हूँ अमार के साथ, क्योंकि नींद ही नहीं पूरी होती। तो फिर हम उठे तो थोड़ा लेट ही हो गए थे, फिर मैंने जल्दी से चाय बनाई अपने लिए, अमार को नाश्ता कराया और साथ मैंने पंजीरी की 2 चमचे ले ली। मीठा खाने को बहुत दिल कर रहा था सुबह सुबह, तो मीठी सी चाय बनाई। और बहुत ज़्यादा काम थे आज, ग्रोसरी करनी थी और फिर घर आके खाना बनाना, साथ साथ अमार को संभालना, उसका फीडर वगैरह बनाना, लंच वगैरह बनाना, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है ये सारा कुछ मैनेज करते हुए। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है मेरे साथ, अगर कभी ऐसा लेट हो जाऊँ तो या ना घर खाना बन सके तो वो माइंड बिल्कुल भी नहीं करते। तो अक्सर ही वो मुझे कहते हैं कि जिस दिन तुम ग्रोसरी करो उस दिन खाना घर ना बनाया करो, लेकिन मेरी वही बात की कोशिश होती है कि मैं घर का खाना बनाऊँ। मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं पसंद करती बाहर का खाना। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं और अमार तैयार हो गए, तो हम जा रहे थे ग्रोसरी करने। यहाँ पे हम मार्केट पहुँच गए तो सारी पार्किंग फुल थी और मार्केट में भी बहुत ज़्यादा रश था। यहाँ पे देखिए जी, मैंने लिए चीज़ केक 2 अदद, शबाज़ को बहुत पसंद है, और काफ़ी सामान भी ले लिया। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं कैसे मुश्किल होता है बेबी को संभालना और साथ साथ शॉपिंग ग्रोसरी करना। तो यहाँ पे देखिए अमार बैठा हुआ है पीछे। वैसे तो मैं अमार को अपने साथ आगे बिठाती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि एयर बैग ऑफ नहीं है तो बेहतर होगा कि इसको पीछे ही बिठाओ। अगर आप में से किसी को पता है कि होंडा स्विस का एयर बैग कैसे ऑफ होता है तो आप ज़रूर प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि हमने तो काफ़ी कोशिश किया, हमें नहीं मिला। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं घर आ गई और जल्दी से खाना तैयार किया और साथ साथ मैं अमार को लंच भी करवा रही थी। तो दाल चावल बनाए आज बहुत ही मज़े के। टेस्ट के लिहाज से दाल तो बहुत मज़े की बनी थी, लेकिन थोड़ी सी थिक हो गई, मुझे थोड़ी सी पतली रखनी चाहिए थी। खैर, खाना भी तैयार हो गया तो हमने आराम से बैठ के खा भी लिया। साथ मैंने सलाद बनाया था और फ्रेश चटनी बनाई थी, बहुत मज़े की चटनी बनी थी। उसकी रेसिपी मैं नहीं दे सकी, नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँगी तो मैं आपको उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ज़्यादा तो काम मेरा हो ही गया था, ग्रोसरी भी हो गई थी और खाना भी तैयार हो गया था। मैं ग्रोसरी ऐसे करती हूँ कि हफ्ते में 3-4 दफ़ा मैं खुद ही कर लेती हूँ, जो छोटी मोटी चीज़ें लानी हो, पानी वगैरह लाना हो तो, या दूध वगैरह, तो वो मेरे हस्बैंड या तो डिलीवरी घर मंगवा लेते हैं या फिर वो खुद साथ चलते हैं, क्योंकि वो मैं उठा नहीं सकती। तो छोटी मोटी चीज़ें मैं खुद ही जाके ले आती हूँ। दूसरों से इंस्पायर होना बहुत आसान होता है, लेकिन आप अपनी लाइफ में कुछ करें, क्रिएटिव बने, आराम से ना बैठें, आप कुछ ना कुछ करें। जैसे कि मैं जॉब करती थी और अभी मैं मैटरनिटी लीव पे हूँ और 3 साल की मैंने छुट्टी ली है। मैं KFC में सुपरवाइज़र थी, तो आफ्टर 3 ईयर्स मुझे फिर ज्वाइन करना है। तो जो फारिग टाइम था मैं आराम से, हालांकि ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए, अमार को घर को संभालना कुछ आसान नहीं होता, ससुराल है और मेहमान नवाजी सब कुछ करना, लेकिन मैंने कहा कि दरमियान में एक ऐसा रास्ता निकालूं कि मैं YouTube चैनल खोलूं अपना, ताकि मैं कुछ ना कुछ मसरूफ रहूं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें जी, अमार को मैंने करवाया बाथ और क्यूट सा मेरा बेबी इतना प्यारा लग रहा था। आज मेरी सिस्टर इन लॉ आ रही थी तो सोचा उनके लिए कुछ मीठा बना लूँ,
एक्चुअली उन्होंने बनाए समोसे और वो साथ लेके आ रही थी। यहाँ पास ही, मेरे पास ही रहती हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। तो उनका भी अपना चैनल है, उन्होंने भी न्यू शुरू किया है सईदा इस्मोस व्लॉग के साथ। तो उनके चैनल को भी आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो अच्छा जी, ये मैंने ली है पफ पेस्ट्री और इस पर स्प्रेड कर दूँगी मैं नटेला और सिंपल से मैं इसको रोल करके क्रोसियों की शक्ल दे दूँगी। यहाँ पे मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि इसकी एक्सपायरी डेट जो कि थी 11th February। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा लेके घर में रख लेती हूँ क्योंकि मैं इनको बहुत यूज़ करती हूँ, मेरे बहुत इस्तेमाल में आती हैं पफ पेस्ट्री। तो मैंने इसकी चेक कर ली एक्सपायरी डेट कि कहीं एक्सपायर तो नहीं होगी। यहाँ पे देखिए जी, मैंने सारे काम ही अपने आसानी से कर लिए थे। अमार सो रहा था तो मैंने सारे काम कर लिए। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए, बहुत ही प्यारी शेप देने के बाद मैं इन पे लगा रही हूँ एग और इनको रखूँगी 15 मिनट के लिए अवन में। अवन है 180 डिग्री प्री हीटेड। और देखिए जी, आफ्टर 15 मिनट्स ये कुछ ऐसे लग रहे हैं, बहुत ही मज़े के थे। अब मैं इन पे पाउडर शुगर स्प्रेड कर दूँगी। और वो जो येलो सा आपको नज़र आ रहा है वो बचा हुआ अंडा था, वो भी मैंने एक ओवन प्रूफ डिश में डाल के साथ ही बेक कर दिया था, वो भी ऐसे ही बहुत मज़े का बना था। रेहान और उनके मामा आ गई थी, मेरी सिस्टर इन ला समोसे लेके, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे, बहुत ही यम्मी थे। तो हमने वो इन्जॉय किए और गपशप लगाई। चले जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।
इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए वीडियो नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।